से वो जिस जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। पी अपडेट में परिवर्तन के दौर में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने सामाजिक घटनाओं एवं चरित्र को लेकर उजागर किया है। इस चर्चा में बिहार के सुशांत सिंह राजपूत, प्रिया चक्रवर्ती बंगाल की ब्राह्मणी, हिमाचल की कंगना, सभी केवल एक मौत से खबर की सुर्खियों में है। बात मौत से शुरुआत हुआ, मूर्त तस्करी अनवर्ल्ड राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगा है। यह परिवर्तन कला के प्रोजेक्ट से धन जुटाने तक परिश्रम होता था, अब धन के माध्यमों से कला के प्रोजेक्ट खरीदने या जुटाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पत्रकार नेताओं की भाषा बोलते हैं, नेताओं ने गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडे धार्मिक गुरुओं की भाषा बोलते हैं, धार्मिक गुरु पूंजीपतियों की भाषा बोलते हैं और पूंजीपतियों से सभी का विकास होता है, यानी सब गोलमाल है। एजेंडा को चलाने के लिए सिद्धांतों का कारोबार चलता है, दुश्मन के दुश्मन दोस्त बनते हैं। दिशा सालियान एवं सुशांत राजपूत मर्डर मिस्ट्री बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल बन गया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने रिश्तों को लेकर टूटने से लेकर जुड़ने तक के उपायों को बतलाया है। टूटना वापसी करना जिंदगी के रिश्तों में अहम भूमिका निभाई जाती है। ब्रेकअप से लेकर पैचअप रिश्तों में बनता बिगड़ता अहम भाग है। इसी को लेकर रिश्तों को वापसी को लेकर उपायों को साझा किया है। जहां वापसी के लिए वक्त देना, वहीं दोस्तों से बातों को साझा करें जो बिगड़ते रिश्ते समझ कर जोड़ सके। सोशल मीडिया समय में पार्टनर से गलती स्वीकार कर प्यार भरी मैसेज दे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। एक मौत हजार दीवाने, सुशांत मामले में सियासत का सच। इतिहास में जाने के लिए गलतियां भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। एक होती है छुरी और एक होती है सोने की छुरी। सोना दूसरे को ना मिल जाए इसलिए कुछ लोग इसे खुद ही पेट में मार लेते हैं। सुशांत मामले में एक के बाद एक खुल रही परतों ने इस विचार पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। जब अधीर रंजन चौधरी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती को बंगाल का ब्राह्मण बताकर अभिरक्षा का झंडा लहराया तो यह वृत्त पूरा हो गया। सुशांत सिंह राजपूत राजनीतिक बिहार का बेटा तो हो ही गया था और कंगना हिमाचल की बेटी। शिवसेना के बारे में तो कहना ही क्या, उसकी हर लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर ही शुरू होती है। विवंडना यह है, यह सब उस मुंबई की रंगभूमि पर हो रहा है जहां से चलने वाला एक उद्योग अखिल भारतीय बाजार में अपनी तिजोरियां भरता है। बात एक मौत से शुरू हुई थी। इसके केंद्रीय पात्र फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे, जो अपने आप में पैसे, प्रसिद्धि और रहस्यमय जटिल आंतरिक रचना का सर्वज्ञात उदाहरण है। ग्लैमर और अकूत धन की संपत्ति वहां साधनों की कालिक को धुंधला कर देती है। इस पृष्ठभूमि में तस्करी, अंडरवर्ल्ड सरगनाओं, कई फिल्मी हस्तियों और उनके सुविधाजनक राजनीतिक संबंधों का इतिहास भी है। पिछले कुछ सालों में शर्म और राजनीतिक लज्जा के सिद्धांत में भारी फेर बदल हुआ है। कारपोरेटीकरण में जहां धन के स्रोतों का नियमन हुआ है, वहीं उद्देश्यों का अंतरण भी हो गया है।
पहले कला के दीवाने प्रोजेक्ट बनाते थे और उसके लिए धन जुटाने निकलते थे, और अब धन किस प्रोजेक्ट से आएगा इस पर कला जुटाई जाती है। इसलिए अब रिश्तों को छुपाने के बजाय खुलकर इस्तेमाल करने में हिचक नहीं है। जैसा कि एक युवा रचनाकार ने कहा, अब पत्रकार नेताओं की भाषा बोलते हैं, नेता गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडे धार्मिक गुरुओं की भाषा बोलते हैं, धार्मिक गुरु पूंजीपतियों की भाषा बोलते हैं, और पूंजीपति सब गोलमाल हो गया है। इस गोलमाल के बीच तमाम महारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने व्यवसाय को आउटलेट खोल रहे हैं। एजेंडे का अवसर उपलब्ध है। भक्तों और निंदकों की वैचारिक दुश्मनियों का पुरोरतम वित्रूप आत्मा के भोजन के नाम पर पेश होता रहता है। इस तरह दोनों तरफ के सिद्धांत वीरों का कारोबार चलता रहता है। इसलिए कंगना रनौत के उदाहरण को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। उसका अपना व्यवसायिक अतीत रहा है। वह सबसे पहले स्थापित सत्ता को चुनौती देने वाली फेमिनिस्ट की तरह उभरी। जब तक उनकी फिल्मों की चरित्र नई पीढ़ी के बाजार को संबोधित करके बॉक्स ऑफिस खींच रहे थे, तब तक उद्योग के लिए सब ठीक था। मगर व्यवहार में निषिद्ध क्षेत्रों में ऐसे हस्तक्षेप जो आंतरिक व्यवसायिक हितार्थियों को भयाक्रांत कर दे तो जोखिम बढ़ जाता है। खतरा आसन्न देख ऊपर से लिबरल आजादी के समर्थक, कला की प्रेरक और प्रतिभा की संरक्षक जैसी छवियां अंततः सामूहिक व्यवसायिक हितों की रक्षण करने में ही अपनी मुक्ति पाती हैं। इस बाजार में संजय दत्त के गुनाह या सलमान की संज्ञाएं कोई नैतिक मायने नहीं रखती। मीटू या खानदानी वादी गिरोह की चोटें भी चयनात्मक साबित होती है। कंगना के मामले में यह खुद बहुआयामी हो गया। उद्योग के भीतर तो चोट खाए लोग थे ही, राष्ट्रवादी होने के मसले ने उनके विरुद्ध प्रतिपक्षी बौद्धिक तमंचों की बाढ़ भी खड़ी कर दी। दिलचस्प है कि इस तड़ातड़ी में कभी शिवसेना को अराजक तत्वों की सांप्रदायिक जमात कहने वाले योद्धा भी प्रकारांतर से शिवसेना की सेवा में चले गए। दुश्मन के दुश्मन दोस्त, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री और शिवसेना से छूटे समूह की कार्रवाई को बौद्धिक रबर से मिटा दिया। इस तरह मणिकर्णिका की टूट ने मौन का एक सामुदायिक उत्सव सृजित हो गया। इसके उद्योग की राजनीति भी थी और राजनीति का उद्योग भी। अब ज्यादा से ज्यादा इसी परिणति यह होगी कि कंगना रनौत अभिनेता से नेता की ठीक तरह से तब्दील हो जाएगी। आरोपी रिया चक्रवर्ती के समर्थन में जो बाढ़ खड़ी की गई है, उसका सुशांत की मृत्यु के सत्य को जानने से शायद ही कोई लेना देना रह गया है। वह तो अपने पक्ष पर झपट्टा मार लेने के लिए चील गति का अंतिम पर्याय है। इस सबके बीच तथाकथित सिद्धांतवादियों में भी एक के मौत के प्रति करुणा कहा है। कहते हैं शिवसेना अपने एक रसूखदार पर छाया पड़ने की आशंका से इस कदर त्रस्त थी कि मसला दीसा सालियान की मौत से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड गुम हो जाने से निकलकर महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, बंगाल की अस्मिता को प्राप्त हो गया। इस प्रकरण ने साबित कर दिया है कि इस कुल समय में हर चीज, यहाँ तक कि एक नौजवान मौत भी ऊंची राजनीतिक लड़ाई का मामूली सामान बन के रह गया है। और हमेशा की तरह सच यही है कि जब सत्ता में सट्टा इंटेलेक्चुअल कैसीनो में खेला जा रहा हो तो हारे कोई भी नाल तो विचारधारा का उस्ताद ही काटता है। क्या सुशांत ने इस विराट वैचारिक टीआरपी वाले दृश्य की कभी कल्पना भी की होगी? धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जब हमें किसी से प्यार होता है तो जैसे मानो सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है। ये समय किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों का लगता है कि वो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकती है। हो भी क्यों ना, एक रिश्ते में किसी के साथ रहना, खट्टे मीठे पल बिताना,
ये सारी बातें जब ब्रेकअप के बाद पीछे छूटती है तो दर्द तो होता ही है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने रूठे हुए पार्टनर को कैसे मना सकते हैं या अपने ब्रेकअप को पैचअप में कैसे बदल सकते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने एक्स से दोबारा पैचअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सही से सोचें कि आपका रिश्ता किस वजह से टूटा था। सिर्फ भावनाओं में आकर फैसला ना लें। आप इस बात पर ध्यान दें, क्या आप वाकई में पैचअप करना चाहते हैं? क्या दोबारा उस रिश्ते में वापस जाकर आप उतने खुश रह सकते हैं जितना पहले थे? क्या आपको सच में उससे प्यार था या किसी अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों साथ थे? अगर इन सब बातों पर अच्छी तरह सोच विचार करने पर भी आपको लगे कि आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा पैचअप कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन पैचअप करने के लिए ज्यादा जल्दी करना या यूं कहें कि उतावलापन दिखाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी रिश्ते में दूरियां भी मजबूती की वजह से बनती हैं। पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होता है। अपने आप और पार्टनर दोनों को थोड़ा टाइम देने दें, क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है तो मन में कुछ कड़वाहट आ जाती है। थोड़ा वक्त देने से उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और तब तक मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएंगी, जिससे आपके प्रयास सही से रंग लाएंगे। सॉरी। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में पार्टनर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी अच्छे दोस्त की मदद ले, क्योंकि एक दोस्त जिस तरह से बात को समझता है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन किसी ऐसे दोस्त से ही बात शेयर करें जो मुद्दे को गंभीरता से ले, आपके रिश्तों को समझता हो। नहीं तो कुछ लोग बात को बनाने की बजाय बिगाड़ देते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग अपने पार्टनर को बुरा भला कहने लगते हैं और सोशल मीडिया पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन चाहे आप दोबारा पैचअप करना चाहें या ना चाहें, लेकिन जब आपने किसी के साथ इतना वक्त गुजारा है तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, आप उस टाइम को तो गुस्से में ऐसा कर देते हैं लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है, लेकिन तब तक पैचअप की सारी गुंजाइश से खत्म हो चुकी होती है। आजकल लव लेटर की जगह सोशल मीडिया की जमाना है। अगर ब्रेकअप के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर को प्यार भरी मैसेज कर सकते हैं, उसे एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अपनी गलती के लिए आप माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये कई रिश्ते सिर्फ ईगो दिखाने या माफी ना मांगने की वजह से भी टूट जाते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।